हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम जानेंगे एक ऐसी फ्लाइंग माइक्रोचिप के बारे में जो कि एक सैंड ग्रेन के बराबर है। ये हमारी उंगली पर इतनी छोटी सी आती है, ये रेत के कण के बराबर है और इससे पॉपुलेशन सर्वेलियंस किया जा सकता है। ये जो एयरबॉर्न डिसीजेज होती हैं उनका पता लगाने में हमारी हेल्प करेगी। ये अभी तक का ह्यूमन का सबसे छोटा बनाया गया स्ट्रक्चर है, सबसे छोटा फ्लाइंग स्ट्रक्चर है। इसके बारे में जानते हैं हम इस लेक्चर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपके पास आ जाएं। चलिए बात करते हैं इस माइक्रोचिप के बारे में। देखिए, ये है माइक्रोचिप जो कि बहुत ही छोटी सी है और इसको बनाया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो फ्लाई कर सकती है। इसमें कैपेबिलिटी है फ्लाई करने की, और फ्लाई कर सकती है बट इसमें कोई मोटर या इंजन नहीं लगा हुआ है। ये इसकी खास बात है, कोई मोटर और इंजन लगे बिना भी ये किस तरह से फ्लाई करेगी तो इसके बारे में जानेंगे। ये इतनी छोटी है कि ये सैंड ग्रेन के बराबर है, मतलब कि रेत के कण के बराबर है। इसकी जो साइज़ और इंजीनियरिंग है वो यूनिक है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ह्यूमन मेड फ्लाइंग स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इतना छोटा है कि आपकी उंगली पे इस तरह से आ सकता है, ये पेंसिल की नोक से भी छोटा है, चींटी से भी छोटा है, और ये किस तरह से फ्लाई करता है। तो ये इसके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसको यूज़ किया है इस मैपल ट्री की तरह। ये जो मैपल ट्री है उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं समारा फ्रूट्स, ये जो सीड्स होते हैं ये फ्री फॉल होते हैं। उनके जो इसमें जो टेक्नोलॉजी ये फ्रूट्स यूज़ करते हैं वही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इसका ये इस तरह से जो गिर रहा है, ठीक है, ये जो सीड्स जैसे गिरते हैं सेम उसी तरह से अगर हम इसको हवा में छोड़ें तो ये इसी तरह से नीचे गिरेगा, ठीक है। स्पिन लाइक अ हेलीकॉप्टर थ्रो द एयर टूअर्ड्स ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड की तरफ गिरेगा अर्थ में आते हुए, जैसे हेलीकॉप्टर आता है उसी तरह से, ओके। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए, मतलब इसके लिए साइंटिस्ट को क्या था कि जो ये सीड्स हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिर जाते हैं, तो बेसिकली साइंटिस्ट ऐसा चाहते थे कि ये कुछ टाइम तक एयर में रहे। तो इसके लिए जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, ऑप्टिमाइज़ किया माइक्रो फ्लायर के एयरोडायनेमिक्स को, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो फ्रूट है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वही यहाँ पे है, ठीक है। एयर में आप छोड़ोगे तो ये नीचे गिर जाएगा, बट इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया। जो एरोडायनेमिक्स है मतलब कि जो एयर में जितने टाइम तक इनको रहना चाहिए थोड़े ज़्यादा टाइम तक ये रहे, ना कि सीधे सीधे नीचे गिर जाए। ऐसा क्यों किया इन्होंने, टू एंश्योर दैट व्हेन इट ड्रॉप्ड एट अ हाई एलिवेशन, ये जो जब इसको हम नीचे गिरा रहे हैं तो ये बहुत स्पीडली ना आके गिरे, ये स्लो वेलोसिटी से गिरे, ठीक है, और कंट्रोल्ड मैनर में। स्लो वेलोसिटी से मतलब कि इसकी वेलोसिटी या वेग कम हो, जिससे कि ये धीरे 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 नीचे गिरे, ना कि सीधे सीधे ये नीचे गिर जाए। ऐसा क्यों चाहते थे, तो ऐसा इस वजह से चाहते थे क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो स्टेबलाइज करेगा इसकी फ्लाइट को और ये इंश्योर करेगा कि ये ब्रॉड एरिया कवर करे, ठीक है। ये जो इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया है वो किस तरह से किया है कि ये जो फ्लाइट हो वो स्टेबलाइज हो और जो एरिया हो वो ज़्यादा एरिया तक फैले। जब ये ज़्यादा एयर में रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा और इसके साथ साथ ये टाइम जो है वो इंक्रीज हो एयर में रहने का, ठीक है, जिसकी वजह से एयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। अब एयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए ये तो हम समझ गए, बात आती है कि क्यों कर पाए, क्यों ऐसा हम चाह रहे हैं कि एयर के साथ इंटरेक्ट करे ये। तो ये इसके लिए आइडल बनाता है मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूशन, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम एयर का में जो पॉल्यूशन है ना उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एयर में ज़्यादा देर तक रहे, तो उससे हम एयर का पोल्यूशन मॉनिटर कर सकते हैं और जो एयरबॉर्न डिसीजेज होती हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी एयर की वजह से जो डिसीजेज होती हैं, ठीक है, जैसे कोरोना है और इसी तरह की जो डिसीजेज हैं जो आपको सांस लेने से या छींकने खांसने से जो फैलती हैं उन डिसीजेज के बारे में पता लगा पाए, ठीक है। अब ये किस तरह से कर पाएगा, तो इसके लिए काफ़ी सारी इसमें चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो जो माइक्रो फ्लायर्स हैं उनमें क्या क्या है, अल्ट्रा मिनिएचराइज्ड
टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिसमें कि सेंसर्स होंगे, तो सेंसर से सेंस कर पाएगा ये। पावर सोर्स होंगे, जिससे कि पावर सोर्स बेसिकली ये सब चीज़ों को चलाने के लिए चार्ज करने की ज़रूरत होगी। और एंटीना हो फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें कोई भी हमें डेटा ना रखना पड़े, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एंटीना होंगे। और इसके बाद मेमोरी टू स्टोर डेटा, ठीक है, तो इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी भी हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, और ये भी बहुत इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जो आपका कम स्पेस ले। ओके, उसके बाद साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि उनका गोल क्या था, उनका गोल था कि वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, स्मॉल स्केल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो फ्लाइट कर सके, ठीक है। तो विंग्ड फ्लाइट स्मॉल स्केल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेसिकली यूज़ करना है इनका, मेन एम ये था, जिसकी वजह से क्या कर पाएँ, ये क्या इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये इनको अलाउ करेगा टू डिस्ट्रीब्यूट हाईली फंक्शनल मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू सेंस द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो सेंसर लगाया जाएगा वो सेंस कर सके एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन है, ठीक है, उस पोल्यूशन को मॉनिटर कर सके, और प्लस पॉपुलेशन जो है उसका सर्वेलियंस कर सके, पॉपुलेशन की गणना हम कर सकें इससे, ठीक है। और इसके अलावा डिसीज ट्रैकिंग भी कर सके, तो ये इनका मेन एम था, ठीक है। तो इस तरह का डिवाइस बनाया गया है, तो यहाँ पे हमने इस डिवाइस के बारे में डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।